हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ नाइन्थ क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चों के उनके क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, काफ़ी बच्चे मेरे से इकोनॉमिक्स सैम्पल पेपर क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, तो फाइनली आज मैं उनके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो आपको अपने स्क्रीन पर देख रहा होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट वन, जिसमें हमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, तो ये क्लास ट्वेल्थ के लिए है, इकोनॉमिक्स का पेपर है जिसका कोड होता है 318318। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्किंग दिख रही होगी। एक बार ही मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ देती हूँ आप सभी के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी मार्क्ड, अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, ओके। ईच क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 50 हैज फोर अल्टरनेटिव ए बी सी डी। आउट ऑफ दीज आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे एम सी क्यूज ही हमें देखने वाले हैं, 1 से 50 तक के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा हो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एम सी क्यूज है, और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन सही होगा आप उसको यहाँ पे कॉपी में आंसर लिख दोगे। ठीक है, नंबर डाल के ए बी सी डी जो भी सही होगा उसको लिख दोगे। इस तरीके से लिखने से आपको मार्क मिल जाएंगे एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन से एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, 3 ऑप्शनल है, 4 ऑप्शनल है, 5 ऑप्शनल, मतलब पूरे ऑप्शनल ही देखने को मिलेंगे। एक और ज़रूरी बात डियर स्टूडेंट, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से लिए गए, किस लेसन से लिए गए, वो भी ऊपर लिखा हुआ था। लाइक ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे 1 to 5 वो सारे क्वेश्चन लेसन नंबर 9 से लिए गए थे, और लेसन नंबर 11 से आपको यहाँ सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। आप देखो और आगे के जो क्वेश्चन है वो लेसन 13 से हैं। अगेन से 5 जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो क्वेश्चन लेसन 13 से हैं, 5 नहीं 5 से ज़्यादा आप कह सकते हो, 7 क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 15 चैप्टर 15 से हैं। और डिफरेंट अगर आप सोच रहे हो इन सभी के आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे, तो डियर स्टूडेंट आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या ईजिली हमारे व्हाट्सएप से जुड़ के इन सभी को परचेस कर सकते हो बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से। या फिर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाला एग्जामिनेशन में, तो भी आप हमसे वहाँ पर जुड़ करके परचेस कर सकते हैं। और लेसन 20 से आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एम सी क्यूज़ के फॉर्म में है, क्योंकि 50 नंबर तक क्वेश्चन के हमें एम सी क्यूज़ ही दिखने वाला है। लेसन 21 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी एम सी क्यूज़ है। लेसन 24 अगेन से इसमें से भी एम सी क्यूज से ही क्वेश्चन है, तो 24 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। 26 चैप्टर कंजप्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, 29 गवर्नमेंट एंड दी बजट, यहाँ पे लास्ट हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पेपर है उसमें 50 एम सी क्यूज ही देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2, जिसमें हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि अगेन से 50 नंबर का था। तो ऊपर 50 नंबर का हमें सब्जेक्टिव देखिए, अब 50 नंबर के नीचे हमें ऑब्जेक्टिव, या फिर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो ये जो आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आप इसको करोगे मिल जाएंगे। दूसरा आपको डेटा दिया गया है अर्थमेटिक मीन, तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी गई कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए और उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 डाइग्राम ड्रॉ करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आप देख रहे हो डियर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी यहाँ पे 2-2 नंबर के लिए हैं, तो अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे 25 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। ऊपर 50 नीचे 25, मतलब कुल मिला के 75 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इस पेपर हमें कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, सारे क्वेश्चन हमें कंपलसरी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी है 2 नंबर के लिए, सब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर के लिए है। यहाँ पे 6 अगेन से 2 नंबर के लिए है, और 7 भी आपको करना है, 8 भी करना है, और 9 भी करना है एजप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, 10 भी अगेन से ये अच्छा एक चीज़ है कि जो भी 7 तक क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के लिए थे, और जो 8 से क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के लिए हैं। तो यहाँ पे हमें 75 नहीं कुछ कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। 4 नंबर के लिए याद रखना वर्ड लिमिट बढ़ा करके लिखना, ठीक है, एक पेज एटलीस्ट, डेढ़ पेज, 2 पेज ऐसे लिखना। ओके, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 12 जो है वो भी 4 नंबर के लिए है। क्वेश्चन 13
अगेन से चार नंबर के लिए है, 14 अगेन से, अच्छा तो 14 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो अब 6 नंबर के लिए है। तो 2, 4, 6 कुछ क्वेश्चन जो थे वो डिवाइडेड थे 2 मार्क्स के लिए, कुछ क्वेश्चन थे वहाँ पे हमें 4 मार्क्स को देखने को मिला, अब जितने क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो 6 मार्क्स को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सब में वर्ड लिमिट का खासा ख्याल रखना। तो डियर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन को ही गेस करना, ठीक है, और लिख कर आना, क्या पता वो गेसिंग आपका सही निकल जाए और आपको वहाँ पे मार्क्स मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक करना, किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए होगा पेपर तो भी मुझे नीचे कमेंट करना। जल्दी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, वीडियो को पूरा देखते, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।